आरजेडी के नेताओं को प्रभु श्री राम से क्या नफरत है, राम मंदिर से क्या नफरत है। ये लोग आगे लगता है कि अब बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांगकर पूजा करने वाले, यह मुखौटा है, इसके पीछे तेजस्वी जी और लालू जी का चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ शुभम। देखिए, राजद विधायक के द्वारा लगातार जो है सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसमें भाजपा जो है ब्लास्ट करवा सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, राजद के विधायक इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर को लेकर के ब्लास्ट भी करवा सकती है। पता नहीं घमंडिया गठबंधन और आरजेडी के नेताओं को प्रभु श्री राम से क्या नफरत है, राम मंदिर से क्या नफरत है। अब देश में 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, खुशियों का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं, दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि 500 वर्षों तक जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई कि राम मंदिर वहां बने और जिसमें लाखों लोगों ने, साधु संतों से लेकर लोगों ने कुर्बानियां दी, ये लोग आगे लगता है कि अब बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांगकर पूजा करने वाले, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। इस देश को अशफाकुल्लाह खां चाहिए, कैप्टन हमीद चाहिए और यहाँ जिन्ना का जिन नहीं चाहिए, बाबर और अफजल गुरु नहीं चाहिए। ये लोग इनके पुजारी बनने वाले हैं, बाबर और अफजल गुरु के। लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं सर, शिक्षा मंत्री ने भी फतेह बहादुर सिंह का जो बयान आया था उसका समर्थन करते हुए भी कहा कि उनका कहना सही है। बिल्कुल गलत है, घोर आपत्तिजनक है। यह लोग जितना विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का और प्रभु श्री राम का, यह मुखौटा है, इसके पीछे तेजस्वी जी और लालू जी का चेहरा है और यह लोग तुष्टिकरण की नीति के तहत कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है, देश देख रहा है, सनातनी देख रहा है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिसका साफ कहना था कि लगातार इस तरह का बयानबाजी जो है राजद की ओर से आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का हाथ है, जो जिस प्रकार से लोग बयान कर रहे हैं और तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।